बहुत इजी उपाय है। जिनके घर में परेशानियां रहती हैं, नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, घर में क्लेश बहुत रहता, आपस में बनती नहीं, एक संबंध जोड़ दूं तो इसको ज्यादा लोग सुनेंगे, पति पत्नी में भी नहीं बनती है आपस में, ये काम की बात, पति पत्नी भी आपस में झगड़ा करते हैं। उन लोगों को, जिन पत्नियों को अपने पति से कम लड़ना है या अपने पति से लड़ना ही नहीं, झगड़ा कम करना है, अब देखना, ये खूब देखेंगे लोग वीडियो से, ऐसे चाहिए वीडियो में, पूरे श्रावण के बचे हुए शेष दिनों में गौमूत्र से अपने घर में नित्य छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल से नित्य छिड़काव श्रावण के महीने में करना चाहिए। शिव जी को गंगा विशेष प्रिय है, गौमूत्र का सनातनियों के लिए विशेष विशेष महत्व है। पहले लोग अपने घरों में गाय के गोबर से चौका लगाया करते थे, घर में शांति बनी रहती थी, पैसा कम था पर प्यार ज्यादा था। आज के घरों में गाय के गोबर से चौका तो लगता नहीं, तो गाय के मूत्र का प्रयोग हम करते नहीं, हमें कर भी हम कर सकते पर करते नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं। और घरों में चौका की जगह नहीं है, पत्थर बिछ गए, तो पत्थर पे चल चल के हमारा दिमाग भी पत्थर जैसा हो गया है, हृदय भी पत्थर जैसा हो गया है, इसलिए उस पत्थर में भी रहकर हमारे रिश्तों में वो पाषाण का भाव ना आए, इसके लिए बहुत जरूरी है हम अपने घरों में गंगा जल का और गौमूत्र का नित्य छिड़काव करें, नित्य श्रावण के बचे हुए दिनों में नित्य आप ये कार्य करिए, गंगा जल का और गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों के घरों में इस कार्य के बाद शांति रहेगी, बोलना ही पड़ेगा।